पुनः ये सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, लेकिन बीच में ये जो युग है ये ऑस्पिशियस युग, धर्माव युग, संगम युग है। ये संगम युग परिवर्तन का युग है। नरकवासी सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन जब वो अपना परिवर्तन करेंगे मन बुद्धि संस्कारों का और अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे। पवित्रता हमारी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा परम पवित्र है और हम भी उसकी संतान हैं। अगर हम उसकी संतान हैं तो उसके बच्चे भी तो पवित्र ही होने चाहिए। ये भारत हमारा सतयुगी दैवी राज्य था। राधा कृष्ण यहाँ राज्य करते थे, लक्ष्मी नारायण यहाँ राज्य करते थे, देवताओं का युग था। तो ऐसे देवताओं के युग के आने का समय आ चुका है, परिवर्तन का युग है। अब बदलिए अपने जीवन को, परिवर्तन करिए अपने जीवन को, सुखमय बनाइए। लेकिन जीवन सुखी तभी बनेगा जब पवित्रता जीवन में होगी। पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए पवित्रता में रह करके अपने बच्चों को पवित्र बनाइए, घर गृहस्थ को पवित्र बनाइए, शहर को पवित्र बनाइए, मन वचन कर्म से पवित्र रहिए। न किसी को दुख देना है, न किसी से दुख लेना है।